दोस्तों, हम आर्मी हमेशा चाहती हैं कि BTS सेफ रहें और हेल्दी रहें, लेकिन क्या हो अगर BTS मन ही मन काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो? तो दोस्तों, रिसेंटली आर्मीज को भी लगा है एक बड़ा झटका, क्योंकि पूरी K-pop इंडस्ट्री हिल चुकी है और न्यूज से पता चला है कि अचानक से एस्ट्रो के मेंबर मूनबिन की डेथ हो चुकी है और न्यूज के मुताबिक उन्होंने शायद सुसाइड की है। लेकिन दोस्तों, पूरी बात जानने से पहले और इसमें BTS का क्या कनेक्शन है ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब किसी K-pop आइडल ने अपनी जान ली हो। इससे पहले काफी सारे K-pop आइडल्स ने क्रिटिसिज्म की वजह से, हेट्रेड की वजह से कुछ ही सालों बाद अपनी जान ले ली, और इसका एक काफी बड़ा एग्जांपल शाइनी के मेंबर जोंगयून भी थे, जिनकी डेथ एक बहुत ही बड़ा सदमा K-pop इंडस्ट्री को दे गई थी। और दोस्तों, अब न्यूज से पता चला है कि K-pop के काफी फेमस बॉय बैंड एस्ट्रो के मेंबर मूनबिन ने अपनी जान ले ली है। दोस्तों, वो सिर्फ 25 इयर्स के थे और किसी को नहीं पता कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक वो बिल्कुल ठीक थे और रिसेंटली ही उनको एक कॉन्सर्ट में भी परफॉर्म करना था, लेकिन न्यूज के हिसाब से अचानक से पुलिस को वो उनके घर पर मरे हुए मिले। हालांकि दोस्तों, ये न्यूज जितनी सैड एस्ट्रो के फैंस के लिए है, उतनी ही सैड हमारी BTS आर्मी के लिए भी है, क्योंकि दोस्तों BTS आर्मी सिर्फ और सिर्फ BTS से ही नहीं बल्कि पूरी K-pop इंडस्ट्री से काफी प्यार करती हैं, और काफी सारी BTS आर्मी डर गई हैं ये सोचकर कि कहीं किसी दिन हमारे BTS की ऐसी कोई न्यूज सुनने ना मिले। दोस्तों, आजकल लोग अपने मेंटल डिप्रेशन और मेंटल स्टेट को लोगों के साथ शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, और BTS की आर्मीज ने ये न्यूज सुनने के बाद BTS से ये रिक्वेस्ट करनी स्टार्ट कर दी है कि अगर कभी भी उनको कुछ बुरा फील हो या फिर उनके मन में कोई भी बात हो तो वो आर्मीज से आकर जरूर शेयर करें। और दोस्तों, ये न्यूज सुनकर BTS भी डेफिनेटली सैड होंगे, क्योंकि मूनबिन उनके अच्छे दोस्त हैं। साथ ही साथ आरएम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ब्लैक कलर की स्टोरी भी शायद मूनबिन को कंडोलेंस देने के लिए लगाई थी। और दोस्तों, हम सब भी एक K-pop फैन होने के नाते अपने आइडल से कितने कनेक्ट होते हैं, उनकी हर एक बात हमारे लिए कितनी बड़ी होती है। ऐसे में अगर हमारा कोई आइडल सडनली मर जाए तो हमारी शायद पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, और इसीलिए एस्ट्रो के फैंस के साथ साथ BTS आर्मी भी काफी सैड है, क्योंकि बहुत ही सारे BTS फैंस एस्ट्रो के फैंस थे। साथ ही साथ दोस्तों, BTS आर्मीज का कहना है कि वो हमेशा BTS के साथ खड़े रहेंगी, इसीलिए भले ही चाहे BTS किसी को डेट कर रहे हो, किसी से शादी करने वाले हो या फिर उनके लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, वो आर्मीज से शेयर जरूर करें। हालांकि दोस्तों, फिलहाल मूनबिन की डेथ का भी पूरा रीजन पता नहीं चला है। पुलिस के मुताबिक अभी उनका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद रिपोर्ट्स पता चलेंगी, लेकिन भगवान जाने उनके मेंबर्स को कैसा फील हो रहा होगा। साथ ही साथ उनकी फैमिली भी बहुत ही ज्यादा दुखी होगी इस समय, क्योंकि वो काफी यंग और टैलेंटेड थे, जिसकी वजह से K-pop इंडस्ट्री को एक बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। तो आर्मीज, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप एस्ट्रो के मेंबर मूनबिन के लिए क्या मैसेज सेंड करना चाहेंगे। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।